डॉग्स जो कि अपने में ही खास है। वैसे ही पोकेमॉन्स वर्ल्ड में भी बहुत सारा वो डॉग बेस्ड पोकेमॉन है, और आज हम ऐसे ही 10 पोकेमॉन्स के बारे में बात करेंगे जो कि डॉग बेस्ड है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आपको तो पता ही होगा कि डॉग्स कितने क्यूट और कितने खतरनाक होते हैं। अभी जैसा कि आपने देखा कि अभी हम बात करने वाले टॉप 10 पोकेमॉन्स विच आर बेस्ड ऑन डॉग्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नंबर वन में आता है स्मीरगल पोकेमॉन। ये पोकेमॉन जन 2 यानी कि जोतो रीजन का एक प्योर नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। ये पोकेमॉन अच्छी पेंटिंग कर लेता है। स्मीरगल पोकेमॉन को बनाया गया है बीगल नाम का एक डॉग ब्रीड से इंस्पायर होकर। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये डॉग स्मीरगल पोकेमॉन से काफ़ी हद तक सिमिलर लगता है। इसी से इंस्पायर होकर स्मीरगल को बनाया गया है बीगल डॉग जो कि 20 माइल्स पर आवर के स्पीड में भाग सकता है। इसके अलावा इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो 15 से 20 साल तक ये जी सकता है। इसका नेचर प्लेफुल और स्मार्ट तरीके का होता है। ये ऐसे तो बहुत कम ही होता है कि ये किसी को गुस्से में काट ले। मतलब ये है कि इस डॉग को गुस्सा बहुत ही ज़्यादा कम आता है और इसको किसी के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। बात करें तो इसकी हाइट की तो ये 33 सेंटीमीटर से 41 सेंटीमीटर तक होता है। वेट 10 से 12 किलो का होता है। बात करें इस डॉग की प्राइस की तो वो है 25,000, वो भी इंडिया में। तो हाँ यार, बिना किसी डाउट के स्मीरगल पोकेमॉन बेस्ड है बीगल डॉग ब्रीड पर। नंबर 2 पे आता है बोल्टन पोकेमॉन। ये पोकेमॉन एक इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है। ये पोकेमॉन बिलोंग करता है जेनेट यानी कि गलार रीजन या फिर पोकेमॉन जर्नी से। इसे देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि ये भी एक डॉग पोकेमॉन है। तो ये पोकेमॉन बेस्ड है अकीता इनू डॉग ब्रीड पर। इन डॉग की हाइट होता है 60 से लेकर 66 सेंटीमीटर तक और इनका वेट होता है 32 से लेकर 39 किलो तक। ज़्यादा से ज़्यादा ये डॉग्स 10 से 15 साल जी सकते हैं। अभी बात करते हैं इसकी प्राइस की तो इंडिया में इनकी प्राइस कुछ 80,000 से 1 लाख तक है। तो हाँ यार, बोल्टन पोकेमॉन को बनाया गया है अकीता इनू डॉग ब्रीड के ऊपर यानी कि उससे इंस्पायर होकर। हालांकि इन्होंने बोल्टन पोकेमॉन को थोड़ा अलग बनाया है क्योंकि इस डॉग पे इंस्पायर्ड होकर एक पोकेमॉन पहले से ही है जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। नंबर 3 में आता है फर्फ्यू पोकेमॉन। ये पोकेमॉन जेन 6 यानी कि गैलोस का एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। शायद आपको पता ही होगा कि ये भी एक डॉग पोकेमॉन है और ये बेस्ड है पोडल नाम का एक डॉग ब्रीड के ऊपर। तुम लोग देख सकते हो कि दोनों सेम दिखते हैं। चलो अब इस डॉग के बारे में बात करते हैं। इस डॉग का हाइट होता है 45 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक और इनका वेट होता है 6 से 7 किलो तक। और ये डॉग 30 माइल्स पर आवर की स्पीड में भाग सकते हैं और सारे डॉग में से 9th नंबर पे सबसे फास्टेस्ट डॉग में पोडल ही है। ये डॉग 12 से 15 साल जी सकता है और इनकी प्राइस है वो है 40,000 से 55,000 तक, वो भी इंडिया में। आप समझ ही गए होंगे कि फर्फी पोकेमॉन बेस्ड है पोडल नाम का एक डॉग ब्रीड के ऊपर। नंबर 4, हाउंडूम पोकेमॉन। ये पोकेमॉन जेन 2 जोतो रीजन का एक फायर एंड डार्क टाइप का पोकेमॉन है। ये पोकेमॉन दिखने में ही खतरनाक दिखता है तो ये जिस डॉग से इंस्पायर होकर बनाया गया है ना, वो भी काफ़ी खतरनाक है। तो हाउंडूम जो है बेस्ड है डॉबरमैन पेंचर नाम का डॉग ब्रीड से। ये डॉग काफ़ी स्ट्रांग और डेंजरस भी है। ज़्यादातर इस डॉग्स को गार्ड्स और पुलिस यूज करता है। ये डॉग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है। इनके काटने से बहुत सीरियस इंजुरीज भी हो सकता है। तो इनकी हाइट होता है 66 से 72 सेंटीमीटर तक, वेट होता है 20 से 30 किलो तक। ये भी भागने में काफ़ी तेज़ है। ये भी 30 माइल्स पर आवर के स्पीड में भाग सकता है और ये 8th नंबर का फास्टेस्ट डॉग है। तो फिर ऑब्वियसली हाउंडूम पोकेमॉन जो है इंस्पायर्ड है डॉबरमैन पेंचर पर। नंबर 4, लैकेनरॉक। लैकेनरॉक एक रॉक टाइप पोकेमॉन है जो इंट्रोड्यूस हुआ था जेन 7 यानी कि अलोला में। ये पोकेमॉन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था क्योंकि अलोला में ये ऐश के पास भी था। बात करें इसका बेस डॉग की तो आप पहले ही देख चुके हो कि वो भी अकीता इनू डॉग ब्रीड है। इस डॉग के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। तो बढ़ते हैं अगली पोकेमॉन की तरफ। अगला पोकेमॉन आता है ग्रैंडबुल पोकेमॉन। ये पोकेमॉन जेन 2 यानी कि जोतो का एक फेरी टाइप पोकेमॉन है। ग्रैंडबुल किस डॉग पर बेस्ड है ये तुम आसानी से गैस कर सकते हो। तो मैं बता देता हूँ, ग्रैंडबुल पोकेमॉन बेस्ड है बुलडॉग पे। बुलडॉग बहुत फ्रेंडली होता है पर दूसरे डॉग पे बहुत गुस्सा दिखाता है, यानी कि उनके लिए ये डॉग फ्रेंडली नहीं होता है।
बुलडॉग की हाइट 43 सेंटीमीटर तक होती है और इनकी वेट है 25 केजीज और बुलडॉग 5 से 10 माइल पर आवर के स्पीड से भाग सकता है। इनका लाइफ स्पैन होता है 8 से 10 साल तक। बुलडॉग का प्राइस होता है 10,000 से लेकर 60,000 तक। तो हाँ यार, ग्रैंड बुल पोकेमॉन बेस्ड है बुलडॉग के ऊपर। नंबर 7 पर आता है स्टाउटलैंड पोकेमॉन। ये पोकेमॉन जेन 5 यानी कि यूनोवा रीजन का एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। ये पोकेमॉन बेस्ड है शिट्ज़ू नाम का एक डॉग से। इसकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 28 सेंटीमीटर तक होता है। वेट होता है 4 से 5 किलो। बाकी डॉग्स के मामले इनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही बाल होता है। ये डॉग 6 माइल पर आवर की स्पीड में भाग सकता है। इनका लाइफ स्पैन होता है 10 से 16 साल। बात करते हैं इनका प्राइस की, तो वो है इंडिया में 30 से 35,000 में मिल जाता है। तो हाँ यार, स्टाउटलैंड पोकेमॉन बेस्ड है शिट्ज़ू डॉग के ऊपर। नंबर 8 पे आता है माइटियाना पोकेमॉन। ये पोकेमॉन जेंट्री यानी कि होइन का एक डार्क टाइप पोकेमॉन है। माइटियाना पोकेमॉन पूरा का पूरा डॉग के ऊपर बेस्ड नहीं है। माइटियाना जो है डॉग और हाइना का मिक्सचर है। मेन लुक तो हाइना से ज़्यादा डॉग के तरह दिखता है। माइटियाना का डिज़ाइन जर्मन शेफर्ड डॉग से इंस्पायर्ड है। तुम लोग देख सकते हो कि दोनों कितना सिमिलर है। हाइना से ज़्यादा सिमिलर नहीं है माइटियाना। तो हाँ यार, तुम लोग बोल सकते हो कि माइटियाना जो है एक डॉग और हाइना का मिक्सचर है। नंबर 9 पे आता है आर्केनाइन पोकेमॉन। ये पोकेमॉन जेन 1 कैंटो का एक फायर टाइप पोकेमॉन है। आर्केनाइन एक जैपनीज माइथोलॉजी पर बेस्ड है जिसे शिज़ा कहा जाता है। ये थोड़ा लायन जैसे लग रहा होगा पर ये डॉग एंड लायन का मिक्सचर है। तो गाइस, आर्केनाइन इसी मिथ पर बेस्ड है, कोई रियल डॉग पर नहीं। नंबर 10 पे आता है यांपर पोकेमॉन। ये पोकेमॉन जेन 8 यानी कि गलार रीजन का एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। यांपर पोकेमॉन बेस्ड है वेल्स कॉर्गिश नाम का एक डॉग ब्रीड पर। ये डॉग्स बहुत छोटे होते हैं। इनके पैर भी बहुत छोटे हैं। इनके हाइट 25 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। वेट होता है 10 से 14 किलो। ये डॉग्स बहुत प्लेफुल नेचर का होता है और ये 23 माइल्स पर आवर की स्पीड में भाग सकता है। इनके प्राइस होते हैं इंडिया में 30,000 से 50,000 तक। तो यांपर पोकेमॉन बेस्ड है इस डॉग के ऊपर। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको और किसी एनिमल्स के ऊपर बेस्ड पोकेमॉन की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता देना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं तब तक के लिए, बाढ़ में चले जाओ।